अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको बीमारियों से महफूज रखे हजरत साहब एक बंदा तंदरुस्त है क्या है रात को लेटता है करवट बदलता है सुबह हो जाती है रात के गुजरने का पता ऊंची बोल दो यार लेकिन अल्लाह ना करे इसी के दाढ़ में दर्द हो जाए कान में दर्द हो जाए गुर्दे में दर्द हो जाए फिर रात के में गुजर दिया जी गुजरने का नाम ही नहीं लेती घड़ी की तरफ देख रहा है एक एक सेकंड कई कई सालों का लग रहा है अरे देखो मेरे हाथ बंधे खुदा दा ना जी अगर दुनिया च थोड़ी जी तकलीफ़ आ जाए दुनिया की रात गुजारना मुश्किल हो जाए अल्लाह ना करे कबर में आजाब आ गया कबर की रात कैसे गुजरे एक बंदा बीमार हो जाता है क्या हो जाता है बीमार ऊंची बोलो डॉक्टर के पास चला जाता है डॉक्टर चेकअप करके कहता है सूफी साहब आप छोटा गो छोड़ दो हजरत जी आप वा गो छोड़ दो आप जनाब नमक छोड़ दो तो जी मिठा खाना छोड़ दो मस्जिद में बैठे हो सच्ची बात करना छोड़ देते हैं नहीं छोड़ देते ऊंची बोलो यार अच्छा आप में से कोई बतलाएगा ये छोटा गोश्त हलाल है कि हराम है, है उची बोल दो यार वड़ा गोस्ट नमक हलाल है। मीठा डॉक्टर के कहे से हलाल छोड़ देता है नबी के कहे से हराम नहीं छोड़ा डॉक्टर के कहे से अपनी मनपसंद चीज मिठाई छोड़ रहा है नबी के कहे से शराब नहीं छोड़ा सूद खाना नहीं छोड़ा हराम खाना नहीं छोड़ा एक हमारा दोस्त था मिठाई बड़ी खाता था डब्बा मिठाई का रखो थोड़ी देर के बाद गायब

डॉक्टर देखते तू हम छाटता मैं नबी दे देखते हराम नहीं छाट रहे आज हम नेकिया क्यों नहीं ने करते नेकियों की कदर नहीं और जब कदर पैदा होगी तो नेकिया कर नहीं सकेंगे ऐसे में लगीवा जब मर के कब्र में पहुंचेंगे फिर बंदा कहेगा या अल्लाह एक चांस दे दे एक चांस दे दे मैं वापस जाके सारी जिंदगी नेकियां से गुजारूंगा चांस मिल जाएगा नहीं, नहीं मिल। उची बोलो यार जिन्ना नु अपने हाथों दफन कर के आयो किन्ने वापस आए नहीं आज तक कोई ऐसे भी मर गए थे फिर वापस फिर चांस नहीं मिलेगा इस वास्त कोए लोए भर लै कुड़ीए जे तुद भांडा भरना शाम पई बिन शाम मुहम्मद ते तू क